बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर बड़ा धमाका हुआ है। धारा 370 की बरसी पर भारतीय सेना ने पीओके में बड़ा धमाका कर दिया। धमाके के साथ कई आतंकवादियों के पर खच्चे उड़ गए हैं। जिस प्रकार से आप थंबनेल देख कर आए हैं, आज भारतीय सेना ने वही शौर्य किया है। लेकिन आज दिन भी कुछ खास है। आज दिन है धारा 370 की बरसी का। धारा 370 को आज ही के दिन 5 अगस्त के दिन ही खत्म किया गया था। आज देश में दो चीजों के लिए याद किया जाएगा, एक तो राम मंदिर के लिए, दूसरा धारा 370 को खत्म करने के लिए। चलिए चलते हैं, इस समय एक सालों में क्या कुछ हुआ है वो पहले दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे पाकिस्तान की तबाही का वो मंजर जिसे पाकिस्तान कभी याद नहीं रखना चाहेगा। अगर बात होती है एक साल में क्या कुछ हुआ है, तो बता दें आपको कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के एक साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर का चेहरा बदला हुआ नजर आ रहा है। अलगाववाद की हवा निकल गई है। अब ना बंद होता है, ना ही हड़ताल का कैलेंडर जारी हो रहा है, ना ही पत्थरबाजी होती है। एक साल में कभी भी अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज, उमर फारूक समेत किसी का बयान सार्वजनिक नहीं हुआ। तमाम अलगाववादी नेता अपनी जमीन खिसकती देख चेहरा छिपाए फिर रहे हैं। यही नहीं, अपना कुनबा बढ़ाने के बजाय वे परिवार वालों से ही किनारा करने लगे हैं। कुछ आतंकी घटनाओं को छोड़कर घाटी अमन और शांति के रास्ते पर लौटने पर अग्रसर है। यूं तो अलगाववादी पर शिकंजा 2018 से कसना शुरू हो गया था, जब टेरर फंडिंग मामले में प्रमुख अलगाववादियों को NIA ने तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया था। मीरवाइज उमर फारूक से भी पूछताछ हुई, इसके बाद इनकी गतिविधियां थोड़ी सिमटी, लेकिन हड़ताल या बंद की कॉल चलती रही। 370 हटने के बाद से मीरवाइज समेत कई अलगाववादियों को हिरासत में लिया गया। कुछ महीने तक इन पर कड़ा पहरा भी रहा। इसी बीच श्रीनगर के डाउनटाउन में कुछ स्थानों पर पोस्टर चपका कर अनुच्छेद 370 का विरोध करने की आवाम से अपील की गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इससे अलगाववादियों को अपनी जमीन खिसकने का एहसास हो गया। जमात इस्लामी जैसे संगठन पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई थी, उनके सभी कार्यालय सील कर प्रमुख कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया था। शिक्षण संस्थान की आड़ में संगठन के जरिए कट्टरपंथ और अलगाववाद का पाठ पढ़ाया जाता था। अलगाववाद को दफन होते देख पाक परस्त कट्टर अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी ने अल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 29 जून को नाता तोड़ लिया। पिछले ही महीने तहरीक ए हुर्रियत प्रमुख अशरफ सहरई को PSA में गिरफ्तार कर लिया गया था। 370 हटने का एक बड़ा बदलाव घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी आया है। पहले हर जुमे को श्रीनगर समेत लगभग पूरी घाटी में पत्थरबाजी घटनाएं होती थी। इसे सुरक्षा बलों को भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस से गोले दागने के साथ पैलेट गन तक इस्तेमाल करना पड़ता था। जुमे की नमाज के दिन तो दोपहर बाद श्रीनगर के जामिया मस्जिद और लाल चौक वाले इलाके में लोग पहले से ही रास्ता बदल देते थे, कारोबारी दुकानें बंद कर देते थे। लेकिन पिछले एक साल में किसी भी जुमे के दिन छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पत्थरबाजी की घटना भी नहीं घटी। बता दें इसी बीच घाटी में कानून व्यवस्था की बागडोर संभाल रहे CRPF के अधिकारी ने बताया है कि 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों को काफी राहत भी मिली है। पत्थरबाजी की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस गोले पर होने वाले खर्चे पर भी कमी आई है। पत्थरबाजी से अब छात्र छात्राओं ने भी किनारा कर लिया है। घाटी में कई महीने तक स्कूल कॉलेज 370 हटने के बाद नहीं खुले, लेकिन अक्टूबर के बाद कई स्कूल कॉलेज खुल गए। कहीं से पत्थरबाजी कोई घटना सामने नहीं आई। प्रताप कॉलेज में पढ़ने वाले फिरोज खान और महिला कॉलेज की राजिया ने बताया कि वह कैरियर महत्वपूर्ण है, अब इसी पर फोकस करना है। दोनों पत्थरबाजी की सच्चाई जान चुके हैं। आप बता दें जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहा था, उसके मंसूबों पर पानी फिर गया है जब से धारा 370 खत्म हुई है। सबसे ज्यादा पानी फिरा है जब से भारतीय सेना ने बॉर्डर पर मुस्तैदी शुरू कर दी है। आतंकवादी इस पार आ नहीं पा रहे हैं। जो आतंकवादी आना चाहता है उसको गोली मार दी जाती है। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में नरमी बरतना नहीं चाहती है।
ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनी में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है, जी हाँ साहब 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है, ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ, आपकी बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, आपकी बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे, लड़ियां सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।